नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे श्रीमद् भगवद गीता के वीडियो में आपका स्वागत है। आठवां अध्याय चल रहा है। मृत्यु के समय व्यक्ति का मन जहां होता है, अंतमति सोगति उसको प्राप्त होती है, इसकी बात की गई। इसके बाद उस पर ब्रह्म परमात्म तत्व को कैसे प्राप्त किया जाए, उसकी बात की गई। अब व्यक्ति इस सृष्टि के चक्र में कैसे घूमता है, उससे कैसे बच सकता है, उसकी बात की। क्योंकि ये कहा कि अगर आप ब्रह्मलोक में भी जाते हैं तो भी आपको पुनः जन्म लेना है, क्योंकि उसकी एक समय अवधि है। लेकिन जब आप उस पर ब्रह्म परमात्मा अक्षर ब्रह्म में विलीन होते हैं, उसके लोक में पहुंचते हैं, तो फिर पुनर्जन्म की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसकी कोई समय अवधि नहीं है, न उसका आदि है न उसका अंत है। आगे कहते हैं, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांता स्थाने भूतानि येन सर्वमिदं तत्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सभी भूत विद्यमान हैं, जिस परमात्मा के अंतर्गत सभी भूत विद्यमान हैं और जिस सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा से ये समस्त संसार परिपूर्ण है। देखिए, आठवां अध्याय चल रहा है, नौवां अध्याय आएगा तो वहां पे राज विद्या राजगुह्य योग आएगा, और वहां ये कहा गया है ये गुह्य योग क्या है, तब तो चर्चा करेंगे, लेकिन यहां कहना जरूरी है। वहां पे ये कहते हैं कि दुनिया ये कहती है कि कण कण में भगवान रहता है, यानी भगवान सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह भगवान है। भगवान कहते हैं कि नहीं भैया, ऐसा नहीं है, सब मुझ में है, मैं सब में हूं नहीं, सब मुझ में है। तो वही बात यहां कहते हैं, पुरुषा सा परह पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या, वो जो परम पुरुष है, हे पार्थ, वो अनन्य भक्ति के द्वारा उसकी प्राप्ति की जा सकती है, और कोई मार्ग नहीं है। यस्यांता स्थाने भूतानि येन सर्वमिदं ततः, जिसके अंतर्गत ये समस्त पंच महाभूत से लेकर के जितनी सृष्टि है, ये जो कुछ तुम्हें चर अचर विश्व दिखाई देता है ना। अरे भैया, आप तो एक सृष्टि के बारे में जानते हैं, मैंने आपसे कहा कि ऐसी बहुत सारी सृष्टियां जिस ब्रह्मांड में समाई हुई हैं, उस अखिल ब्रह्मांड का नायक है वो, तो ये तो सृष्टि से भी पर पूरे ब्रह्मांड की बात है। तो यस्यांता स्थाने भूतानि, जिसके अंदर ये सभी सभी भूत पंच महाभूति ने समस्त प्रकार के जो भी सृष्टि है वो समाई हुई है, येन सर्वमिदं ततम, उसी से ये सब कुछ जो चल रहा है, उस परम पुरुष परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करके ही उसको प्राप्त किया जा सकता है, और कोई मार्ग नहीं है। आगे कहते हैं, यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिना प्रयाता यान्ति तम कालम वक्षामि भर्तृसे। अब देखिए, मृत्यु के संदर्भ में बहुत सारी हमारे शास्त्रों में मान्यताएं दी गई हैं। एक कथा आपसे कहता हूं जिससे आपको ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाए हैं। महाभारत का कथा प्रसंग है, पितामह भीष्म को अर्जुन ने बाण मारे, पूरा शरीर बाणों से बिंध गया और सरशैया पे वो पड़ गए, क्योंकि उनको तो पिता से वरदान था कि इच्छा मृत्यु, जब उनकी इच्छा होगी तभी उनकी मृत्यु होगी, बाकी वो मरेंगे नहीं। तो पूरे शरीर में बाण लग गए, पूरे शरीर से बिंधे पड़े हुए हैं, भयंकर पीड़ा हो रही है, लेकिन फिर भी अपने प्राणों को नहीं छोड़ते हैं। क्यों प्राण नहीं छोड़ते हैं? अरे भाई, पीड़ा भोगने से अच्छा है कि व्यक्ति को अपने प्राणों का परित्याग कर देना चाहिए, वो भी पितामह भीष्म। तो इसके लिए दो बातें आती हैं। एक बात तो यह है कि उन्हें अभी यह नहीं पता है कि जिस हस्तिनापुर की जवाबदारी उनके पिता ने उनको सौंपी है, वो हस्तिनापुर सुरक्षित हुआ या नहीं हुआ, इसलिए वो नहीं मरना चाहते।
और एक उल्लेख इस प्रकार का आता है कि उस समय सूर्य जो है वो दक्षिणायन थे, और दक्षिणायन सूर्य हो ऐसे में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। अरे भैया दक्षिणायन की बात तो जाने दो, हमारे यहाँ तो शास्त्रों में कई जगह ऐसे उल्लेख पाए जाते हैं, और यहीं श्रीमद् भगवद गीता में उसी चीज का उल्लेख है कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के हिसाब से भी व्यक्ति अगर शुक्ल पक्ष में मरता है तो उसकी परम गति होती है, और कृष्ण पक्ष में मरता है तो उसको पुनः जन्म लेना पड़ता है। वही सारी बातें यहाँ पे आएंगी, जरा ध्यान दीजिएगा तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सब क्या चर्चा चल रही है। मैंने आपसे कहा यहाँ गूढ़ विषयों की चर्चा शुरू हो गई है, और वो गूढ़ता जो है आगे थोड़ी थोड़ी बढ़ती ही जाएगी जब तक कि आप 15वें अध्याय तक नहीं पहुँचेंगे। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम च योगिना, भाई शरीर का परित्याग होने के बाद कौन सा ऐसा समय होता है, कौन सा ऐसा मार्ग है, कौन सी ऐसी गति है कि जिससे गया हुआ व्यक्ति जो है वो दोबारा लौटता नहीं है, उसको वापस लौटने की जरूरत नहीं पड़ती है, और कौन सा ऐसा मार्ग है जिससे गया हुआ व्यक्ति उसको अवश्य ही संसार में आना पड़ता है। प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भर्तृसभ्यः, वो दोनों समय आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ समय का अर्थ कालम जो कहा है, काल का अर्थ समय की जगह पे मार्ग की बात अगर हम करें तो ज़्यादा योग्य है, यानी हम आपको दोनों ही रास्ते बताते हैं कि किस रास्ते से अगर व्यक्ति जाएगा तो उसको वापस आना पड़ेगा, और किस रास्ते से व्यक्ति जाएगा तो उसको वापस नहीं आना पड़ेगा। जब आप इस काल का अर्थ रास्ता कर लेंगे, मार्ग कर लेंगे कि किस मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति वापस नहीं आता है और किस मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति को वापस आना पड़ता है, तो ये सारी विभावनाएं क्लियर हो जाएंगी। जब तक आप काल शब्द का अर्थ समय रखेंगे तब तक ये सारी चीजें आपके लिए गोल गोल रहेंगी। वर्णन करते हैं अग्नि ज्योति रहा शुक्ला क्षणमासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मम ब्रह्म विदो जना, ब्रह्म को जानने वाले जो ब्रह्मविद लोग हैं वो जो उत्तरायण का समय है तत्र प्रयाता वहां जा करके और उस लोक को प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये कैसा होता है अग्नि ज्योति रहा शुक्ला क्षणमासा, ये 6 महीने का समय ऐसा है जिसमें अग्नि ज्योति और ये सारी चीजें, यानी ये प्रकाश पुंज है, ये ज्योतिर्मय है, ये उत्तरायण का जो काल है, और जब इस प्रकार के काल में व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो ब्रह्म ब्रह्म विदो जना गच्छन्ति, ब्रह्म के जानकार लोग वो ब्रह्म तत्व को प्राप्त करते हैं। अगर हम इसको उत्तरायण और दक्षिणायन वाला उत्तरायण मान लेते हैं तो एक अलग प्रश्न खड़ा होता है कि क्या ये संभव है कि 6 महीने तक लोग मरें और उनकी कोई गति ही नहीं हो जब दक्षिणायन हो, और फिर उत्तरायण जब आ जाए और उस समय अगर व्यक्ति की मृत्यु हो तो उसको गति मिल ही जाएगी, तब तो भैया 6 महीने लोगों को मरना ही नहीं चाहिए और 6 ही महीने लोगों को मरना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ कहा यह जाता है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, कि व्यक्ति अपनी मृत्यु पहले ही लिखवा के आता है, यानी इस जन्म में आप कितने भी प्रयत्न कर लेंगे आपकी मृत्यु कृष्ण पक्ष में हो गई या आपकी मृत्यु दक्षिणायन में हो गई तो आपको गति तो मिलनी ही नहीं, आपको दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा, तो सारी मेहनत विफल हो जाएगी जो कृष्ण ने इतनी सारी बातें कही कि व्यक्ति ये कर सकता है ये कर सकता है। इसलिए यहाँ उत्तरायण और दक्षिणायन का अर्थ काल और समय न लेकर के इसको मार्ग अर्थ इसका करना चाहिए। जब आप इसका अर्थ मार्ग करेंगे तो यहाँ बहुत सारी चीजों के अर्थ बदल जाएंगे। अग्नि ज्योति रहा शुक्ला, भाई व्यक्ति ज्ञानी है, तेजस्वी है, तेज का पुंज है, अंधकार उसके मन का खत्म हो गया है और वो ईश्वरीय, क्योंकि ब्रह्म विदो शब्द का उपयोग किया है, वो ब्रह्म का जानकार हो गया है तो ब्रह्मलोक को प्राप्त करेगा, तो ये उत्तरायण मार्ग है। उत्तरायण मार्ग का अर्थ वर्ष के 6 महीने जो उत्तरायण के होते हैं वो ना मान करके उन उत्तरायण में जैसे सारे अच्छे अच्छे कार्य होते हैं, जैसे श्रेष्ठता होती है, जैसे प्रकाश होता है, उसी प्रकार जब व्यक्ति अपने जीवन में इन सारी चीजों को उतारता है, उत्तरायण जैसा उसका जीवन बनता है और वो ब्रह्म को जानने वाला होता है तो प्रयाता ब्रह्मलोकम गच्छति, उसकी जब मृत्यु हुई तो ब्रह्मलोक को प्राप्त करेगा।
धूमो रात्रि तथा कृष्णासन माचा दक्षिणायन। अब दक्षिणायन के 6 महीनों की बात करते हैं कि धूमो से आवृत है, रात्रि का समय है, कृष्ण पक्ष काला उसका रंग है, इस प्रकार का दक्षिणायन का समय होता है। तत्र चांद्रमसम ज्योति योगी प्राप्त निवर्तते, लेकिन रात्रि में भी चंद्रमा तो रहेगा, तो वहां चांद्रमसम ज्योति योगी प्राप्त निवर्तते, वहां अलग लोक है, और जब वहां जाएगा व्यक्ति तो वहां जाने के बाद उसको वापस आना पड़ेगा। अब आप समझिए, जो जीवन में माया रूपी अंधकार में फंसा पड़ा है श्रेष्ठ व्यक्ति, सब कुछ उसके पास है, वेदों की कथनानुसार ही वो अपने जीवन के सारे कार्य करता है, सारे धर्म कर्मों में रहता है, उसकी जब मृत्यु होगी तो उसको इस संसार में वापस आना पड़ेगा। जो ब्रह्म का आचरण कर रहा है, जो ब्रह्म को जानने वाला है, जो ब्रह्म में खोया हुआ है, वो मरने के बाद वापस नहीं आएगा, लेकिन जो दक्षिणायन है अच्छा है, सिद्ध है, सब चीजें उसकी उत्तम है, लेकिन मृत्यु के बाद फिर भी उसको वापस आना पड़ेगा। यहां धूम है, रात्रि है, कृष्ण है, ये सारी चीजें अज्ञान की प्रतीक है। यहां मैं पढ़े लिखे ज्ञान या अनपढ़ वाले ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने एक वीडियो में कहा था कि विद्या भी बंधन करता है, वास्तव में तो विद्या के लिए सूत्र है कि सा विद्या या विमुक्त है, विद्या तो उसी के कहते हैं जो मुक्ति का मार्ग दे। अब मुक्ति का मार्ग यानी कोई व्यक्ति जेल में हो और वो पढ़ा लिखा है तो कुछ ना कुछ ऐसा कर्तव्य कर लेगा, कुछ ना कुछ ऐसा तिकड़म लगा लेगा कि वो जेल से छूट जाए, तो वो विद्वान है क्योंकि उसने अपनी मुक्ति का मार्ग कर लिया। भैया यही संसार के चक्र के संदर्भ में है, आप वास्तविक पढ़े लिखे, आप वास्तविक विद्वान तभी हैं जब इस संसार रूपी चक्र में से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। जब तक आप संसार में घूम रहे हैं तब तक तो आप दक्षिणायन हैं, और ये अज्ञान से परिपूर्ण आपका जीवन है, और ऐसे जीवन में चांद्रमसम ज्योति आपको लोक तो उत्तम ही प्राप्त होंगे क्योंकि आप अच्छे हैं, लेकिन आपको वापस आना पड़ेगा। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एक आयात्यना वृत्ति अन्या वर्तते पुनः। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये दो गतियां हैं, संसार इन्हीं दो गतियों से चलता है। 15 दिन आप जानते हैं शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिन आप जानते हैं कृष्ण पक्ष होता है। एक आयाति अनावृत्ति, एक जो मार्ग है यानी शुक्ल पक्ष का जो समय है उस समय से जो जाते हैं अनावृत्ति, उनको वापस नहीं आना पड़ता है। अनन्या वर्तते पुनः, लेकिन जो दूसरा कृष्ण पक्ष है उसमें अगर व्यक्ति की गति होगी, उसमें अगर व्यक्ति मरेगा तो उसको पुनः जन्म लेना पड़ेगा। तो जो उत्तरायण और दक्षिणायन की बात थी, उत्तरायण ये शुक्ल पक्ष है, दक्षिणायन ये कृष्ण पक्ष है, नहीं भैया दक्षिणायन में भी शुक्ल पक्ष आएगा और उत्तरायण में भी कृष्ण पक्ष आएगा, तब आप क्या करेंगे? हाँ, इसको फिर से समझेंगे हम। व्यक्ति का पूरा 1 वर्ष जो है वो उत्तरायण और दक्षिणायन को विभाजित करता है, लेकिन जब पक्ष आता तो उसके महीने को विभाजित करता है। मान लीजिए उत्तरायण काल है, यानी मान लीजिए कि वो व्यक्ति ज्ञानी है, ज्ञान से परिपूर्ण है, सभी तरीके से श्रेष्ठ है, ब्रह्म में विचरण करने वाला है, लेकिन फिर भी अगर वो कृष्ण पक्ष में, यानी फिर भी अगर उसके मन में किसी भी प्रकार की ये मोह माया कुछ आ गया तो उसकी पुनरावृत्ति होगी, तो उसको पुनः जन्म लेना पड़ेगा। भैया दक्षिणायन काल हो, यानी व्यक्ति अज्ञान में भी डूबा हुआ हो, लेकिन फिर भी मृत्यु के समय अगर वो शुक्ल पक्ष में है, यानी मृत्यु के समय उसका ज्ञान जागृत हो जाता है और उस परब्रह्म परमात्मा का ध्यान कर लेता है और उसकी मृत्यु होती है, तो उसको वापस नहीं आना है। हमें इन उत्तरायण दक्षिणायन और शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष को जोड़ना पड़ेगा। उत्तरायण आपके संपूर्ण जीवन की यात्रा है जिसमें आप ज्ञान से आवृत हैं, और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आपके मृत्यु के समय का, आपका ज्ञान कहां है, अंधकार में है कृष्ण पक्ष में है या प्रकाश में शुक्ल पक्ष में है। जैसे मैंने जड़ भरत की कथा सुनाई थी कि पूरी जिंदगी तो उनकी इसी में गई, लेकिन मृत्यु के समय वो छोटे से हिरण के बच्चे के चक्कर में पड़ गए और उनको फिर से संसार में आना पड़ा,
और फिर हिरण बनने के बाद भी वो उच्च मार्ग पे जा पाए, क्योंकि मरने के टाइम पे शुक्ल पक्ष वाली स्थिति आ गई। तो ये शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष जो है, और ये उत्तरायण और दक्षिणायन जो है, ये काल नहीं है, ये आपके जीवन की गति है। और जब आप इस मार्ग से आगे चलते हैं तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों के तत्वों को, नैते श्रुति, श्रुति मार्गों को कहा जाता है। देखिए यहां काल शब्द चला गया है, यहां श्रुति शब्द है जो मार्ग का वाचक है। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन है, हे पार्थ, इस प्रकार से मार्ग को जानने वाले जो योगी लोग हैं वो कभी मोहित नहीं होते हैं। यानी ऐसा नहीं होता है कि सारी जिंदगी उत्तरायण में जिए और मरने के टाइम पे कृष्ण पक्ष में मृत्यु हो जाए, यानी सारी जिंदगी ज्ञान से परिपूर्ण रहे और मरने के टाइम पे भरत जैसी स्थिति हो जाए, जड़ भरत जैसी स्थिति हो जाए, उनके साथ ऐसा नहीं होता। ये तो उत्तम स्थिति है कि भले जिंदगी भर दक्षिणायन में रहे और अगर आप शुक्ल पक्ष में मृत्यु हो जाए, यानी मृत्यु के समय आपको इस प्रकार का ज्ञान हो जाए और आप मरते मरते उसी ईश्वर को याद कर पाए, अजामिल जैसी स्थिति आ जाए। लेकिन भैया, इसके लिए बहुत सारे भक्त संत महात्मा अगर आपके घर पे आए, आपको मार्गदर्शन दें, तो ये मार्ग संभव है। बाकी ऐसा हुआ नहीं करता है जिंदगी में। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इन मार्गों को जानने वाले जो योगी होते हैं वो कभी भी मोहित नहीं होते हैं, वो बिल्कुल योग्य मार्ग पे ही चलते रहते हैं। उनके जीवन में ऐसा नहीं है कि कुछ आ गया तो इसकी वजह से पूरा घटनाक्रम बदल गया, नहीं नहीं, वो हमेशा योग्य मार्ग पे चलते रहते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भवार्जुन, हे अर्जुन, इसलिए प्रत्येक समय में, यानी प्रत्येक मार्ग पे, यहाँ काल शब्द का अर्थ हम फिर से मार्ग कर रहे हैं, आप किसी भी मार्ग पे चलें, योगी होकर के चलें। जब आप योगी होंगे और इन चीजों को समझ पाएंगे तो आप स्वयं ही उत्तरायण और शुक्ल पक्ष की गति करेंगे। आप क्यों दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष की गति करें, स्वाभाविक है कि नहीं करेंगे। इसलिए हे अर्जुन, प्रत्येक काल को समझते हुए, प्रत्येक मार्ग को, उसकी गति को समझते हुए, योग युक्त भवार्जुन, तुम योग युक्त हो जाओ। जब व्यक्ति योगी हो जाता है फिर भूल होने की संभावनाएं नहीं रहती हैं। जब तक योग के मार्ग का अनुयायी रहता है तब तक इस तरीके की संभावनाएं बनी रहती हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपःषु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान मुपैति चाद्यम। जब व्यक्ति इस वास्तविकता को जान लेता है, इस मार्ग को समझ लेता है, इसकी गति को जान जाता है, तो वेदेषु यज्ञेषु तपःषु चैव, वेदों में, यज्ञों में, तपस्याओं में, दानेषु दान धर्म में, यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, जो कुछ पुण्य फलों की बात की गई है, अत्येति तत् सर्वम, उस सबको पार कर जाता, उससे पर हो जाता। काम ये सारे करेगा लेकिन उनके फलों का उसको बंधन नहीं होगा। इदम विद्वा योगी परम स्थान उपेत जाते, और योगी उस परम स्थान को प्राप्त करता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी ये बात कही थी और वही बात यहाँ पे है कि जीवन में सारी चीजें बंधन करता है। जब आप फल की कामना से करते हैं तो आपने वेदों का अध्ययन किया, आपने यज्ञ किया, आपने तपस्या की, आपने दान किया, अगर कुछ प्राप्त करने के लिए ये सब कुछ किया है तो वो बंधन करता होगा। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि जब व्यक्ति योगी हो जाता है तो ये सारी चीज़ों से वो पर हो जाता है। ये दुनिया चलती रहती है, दुनिया की सृष्टि में वो भी अपने सारे कामकाज करता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उसके बंधनों से वो बंधे। और जब वो बंधनों से नहीं बनता है तो योगी परम स्थान उपैति जाद्यम, तो वो परम पद को प्राप्त करता है, उस परम ब्रह्म परमात्मा का सानिध्य ऐसे योगी को प्राप्त होता है। यहाँ करके जो आठवां अध्याय है जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग, वो पूर्ण होता है। देखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता के वीडियो। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य और संस्कृति। जीवन में कई बार आपको ऐसा लग सकता है
या ये वीडियो सुनते हुए भी ऐसा लग सकता है कि अरे ये तो सब फालतू की चीज है, लेकिन वास्तविकता जो है यही है जीवन की, कि अंत मति सो गति, व्यक्ति अंतिम अवस्था में जिन विचारों में रहता है उसी प्रकार से उसका अगला जन्म होता है। तो भैया अगर आप मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं तो कम से कम श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करें। धन्यवाद।